राजद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष बिंदा प्रसाद राय ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ क्रूर अत्याचारों की निंदा करती है और तीन कृषि कानूनों और प्रस्तावित बिजली बिल को रद्द करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष दलों से भी आग्रह करते हैं कि वे भाजपा विरोधी मतों को विभाजित न करें। हम लोग का एकदम प्राइमरी ध्येय ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाना और उनका जो ख्वाब है कि बंगाल को जीत लेंगे तो देश जीत लेंगे वो नहीं होने देना। वो मुझको लगता है कि मैं बंगाल की उस बुद्धिजीवी जनता को, उस क्रांतिकारी जनता को, उस बुद्धिजीवी जनता को और उनके उस महापुरुषों का हवाला देते हुए, चाहे जितने भी हों, सुभाष चंद्र बोस हो, अरविंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जितने लोग हैं, मतलब यहाँ तो नाव लीजिएगा तो सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे बड़े नेता, तो मुझको लगता है कि जो उनके अनुयायी हैं, संतान हैं और एक प्राउड फील होता है उन लोगों के व्यक्तित्व को देखकर, तो मुझको लगता है कि यहाँ की जनता में वो शक्ति बुरी तरीके से फेल होगी और हम कह सकते हैं कि संभवतः बंगाल ही जो है उनका थुथना जो है कुचल देगा।